जय जिन टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द 32nd क्लास ऑफ CA इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। वी वर डूइंग SA 500 सीरीज एंड हैव डन SA 580, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशंस इन द प्रीवियस क्लास। सो कमिंग विद द नेक्स्ट SA 501, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ये जो सारे SA 500 की सीरीज हैं सब ऑडिट एविडेंसेस से रिलेटेड हैं, तो इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। थोड़ा लेंथी सा ऐसे है तो इसको जल्दी करते हैं थोड़ा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ये ऐसे पर्टिकुलर तीन चीज़ों की बातें करता है, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्व विद इन द एंटिटी, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। या आपसे आपके इंटर में ज़्यादा काम करनी है तो इसको अपन छोड़ देंगे, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। ठीक है, मेन अपने लिए क्या फोकस करने वाले हैं? पहला इन्वेंट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, एंड कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्व इन द एंटिटी। तो फर्स्ट टॉपिक इन्वेंट्री पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेन इन्वेंट्री इज मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इन्वेंट्री मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, कि वो इन्वेंट्री जो है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, एंड कंडीशन, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी कंडीशन क्या है ऑफ द इन्वेंट्री। अब वो कैसे चेक करेगा? ये दो स्टेप्स दे रखे इंस्टीट्यूट ने। पहला, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही होगी, जब मैनेजमेंट परफॉर्म करता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, तो वो क्या कर सकता है? अटेंडेंस ले सकता है, वहाँ जाकर खुद उसको अटेंड कर सकता है। टू इवेलुएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट जिससे वो काउंट करवा रहा है उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है, और वो क्या प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है मैनेजमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड फॉर कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर्स। जो मैनेजमेंट के पर्सनल काम कर रहे होंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो ऑडिटर ऑब्जर्व कर सकता है अटेंडेंस लगा के, मतलब खुद वहाँ जाकर। इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, ऑडिटर खुद जाकर भी इंस्पेक्ट कर सकता है इन्वेंट्री को, ठीक है, और परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, ऑडिटर खुद टेस्ट काउंट्स भी कर सकता है खुद। ये पहला इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री भी खुद कर रहा है और परफॉर्म टेस्ट काउंट्स भी खुद कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वैन इन्वेंट्रीज मटीरियल तो ऑडिटर शैल ऑप्टेन SAAE रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय, फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, सेकंड पॉइंट परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट। क्या हुआ इसका मतलब? ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर परफॉर्म करेगा चेक करने के लिए रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, कि जो एंटिटी का फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो जो रिजल्ट शो कर रहे हैं वही एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पता चल रहा है बुक्स के अंदर तो कुछ और आ रहा हो और बैलेंस शीट के अंदर P&L के अंदर कुछ और अमाउंट चढ़ा हुआ, तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। दो पॉइंट्स हैं। अब अपन लोग ये जो फर्स्ट पॉइंट है पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को, ये आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तीन पॉइंट्स दे रखें, आपको याद करना है तीनों पॉइंट्स। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स ऊपर से जैसी चीज़ों का रेपिटेशन होगा। पहला, इंस्पेक्टिंग द इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवेलुएट इट्स कंडीशन एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। दो पॉइंट्स एक साथ मर्ज कर दिए, इंस्पेक्ट करेगा ऑडिटर और परफॉर्म टेस्ट काउंट्स करेगा। दूसरा पॉइंट, ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विद द मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन। मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो उनका कंप्लायंस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है वो ऑब्जर्व करेगा रिगार्डिंग द इन्वेंट्री काउंटिंग। जब ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए अटेंडेंस खुद वहाँ गया है, ठीक है, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, वापस दो पॉइंट्स को मिला दिया। थर्ड पॉइंट, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। अब ऑडिटर क्या करेगा थर्ड पॉइंट के अंदर, या इन्होंने बोला है कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन करेगा किसके रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। ओके, दीज प्रोसीजर्स में सर्व एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये जो प्रोसीजर्स ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है तीनों, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तरह भी हो सकते हैं, मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर्स हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को बोल सकते हैं, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरह हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट, ऑडिटर को क्या रिस्क मतलब कितना उसको रिस्क असेसमेंट उसने कैसा करा है, प्लान्ड अप्रोच क्या है उसकी, एंड द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कैरीड आउट, जो ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स कैरी आउट कर चुका है। ये तीन पॉइंट्स आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अभी जो क्वेश्चन है नवंबर 18 के अंदर आ चुका है, व्हाट आर द मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ऑडिटर ने सोच तो लिया कि वो अटेंडेंस करेगा एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, लेकिन वो क्या क्या मैटर्स अपने दिमाग के अंदर रखेगा, प्लान का क्या क्या करके जाएगा, क्योंकि प्लानिंग सबसे पहले ऑडिटर कर लेता है अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ। मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इंक्लूड्स, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, पहला नेचर ऑफ द इन्वेंट्री कैसी है जिसकी वो फिजिकल अकाउंटिंग को देखने जा रहा है, प्रेजेंट खुद लगाने जा रहा है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, काम कितना उस इन्वेंट्री पे पूरा हो चुका है अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस वाली कैटेगरी की इन्वेंट्री है तो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कितना है रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, पता चल रहा है 100 रुपये की इन्वेंट्री हो उसको खुद ऑडिटर अटेंडेंस तो लगाने जाएगा नहीं कि हाँ चलो हम देखने चल जाते हैं, अदर ऑडिट प्रोसीजर से काम चला सकता है उस केस के अंदर, तो रिस्क देखेगा रिलेटेड टू द इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की रिस्क है या नहीं है। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग में मैनेजमेंट ने कैसा इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है, उसका नेचर कैसा है वो ऑडिटर चेक करेगा, अपने दिमाग में प्लानिंग करके रखेगा उसकी, वेदर एडिकेट प्रोसीजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, जो मैनेजमेंट है उसने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए वो चेक करेगा, टाइमिंग क्या है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की वो चेक करेगा, वेदर द एंटिटी मेंटेन्स अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अब ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो मैनेजमेंट रहता है वो मैनेजमेंट कीप्स कंटिन्यूअल ट्रैक ऑफ योर इन्वेंट्री बैलेंसेज, मतलब जो एंटिटी के इन्वेंट्री बैलेंसेज है मैनेजमेंट उसका कंटिन्यूअल ट्रैक रखता है, जैसे ही एक सामान या तो बिकता है या फिर कोई मैनेजमेंट खरीद कर लाता है तो उसकी हाथों हाथ इंस्टेंटली एंट्रीज होती है, सेम इज़ द केस विद रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर रिटर्न ऑफ गुड्स वापस आ रहे हैं हमारे पास तो उसकी एंट्री हाथों हाथ होगी, और अगर हम लोग अपने सप्लायर को वापस रिटर्न करके दे रहे हैं गुड्स को तो उसकी एंट्री वापस से होगी, ये होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो अगर एंटिटी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देख रही मतलब अपने पास मेंटेन करके रखती है तो ऑडिटर क्या चेक कर सकता है कि जो सामान आ रहा है उसको मैनेजमेंट जो है वो या फिर जो मैनेजमेंट के पर्सनल हैं वो हाथों हाथ उसके अंदर एंट्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंटिटी फॉलो कर रही है। द लोकेशन एट विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, कौन सी लोकेशन पर इन्वेंट्री रखी जाती है, इंक्लूडिंग द मटेरियलिटी ऑफ द इन्वेंट्री, कितनी ज़्यादा मटेरियल है ऑडिटर की नज़रों के हिसाब से, ये प्रोफेशनल जजमेंट है उसका, एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट डिफरेंट लोकेशंस, कितनी ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है रिगार्डिंग द फ्रॉड एंड theft of the inventory in deciding at which locations attendance is appropriate, whether the assistance of an auditor's expert is needed, अगर inventory बहुत ज़्यादा कुछ अजीब चीज़ की है तो auditor को कुछ auditor expert की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये भी वो plan करके चलेगा। अगला point, physical inventory counting conducted other than at the date of the financial statements, usually 31st March पर physical inventory counting होती है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 25th March को ही entity inventory counting कर ले, तो उसके अंदर auditor क्या करेगा checking करने के लिए, ऑडिटर ये देखेगा कि इन एडिशन टू अदर प्रोसीजर्स ऑडिटर लगाएगा वेदर चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मतलब 25th ऑफ मार्च से लेकर 31st मार्च तक जो जो भी चेंजेस इन्वेंट्री के अंदर हुए हैं, जो परचेजेस हुई हैं, जो सेल हुई हैं, उसका खुद ऑडिटर एक बार टेस्ट करके देख सकता है कि जो इन्होंने कैलकुलेशंस करी हैं, जो ये बीच के 6 दिन थे उनकी कैलकुलेशंस करी हैं और मैनेजमेंट ने सही करी है या नहीं करी है खुद एक बार चेक कर सकता है। इफ़ द ऑडिटर इज़ अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज, जब ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड नहीं कर पाया ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज, ऑडिटर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर ऑडिटर लेट हो गया, ट्रेन मिस हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अब इस केस के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर विल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एन ऑल्टरनेट डेट, ऑडिटर उस दिन तो जा नहीं पाया तो वो किसी ऑल्टरनेटिव डेट पर कुछ फिजिकल काउंट्स कर लेगा, एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस, जो बीच में ट्रांजैक्शंस हुए इन्वेंट्री के उनके ऊपर वो कुछ टेस्ट चेक कर कर अपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल हो, फॉर एग्जांपल वो टॉक्सिक इन्वेंट्री हो हमारी तो वहाँ पर ऑडिटर को जाना सही नहीं रहे, ठीक है, तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना है वो अपन पढ़ रहे हैं। अब if attendance at physical inventory counting is impracticable, the auditor shall perform alternative audit procedures, auditor alternative audit procedures lagayega to obtain SAAE regarding the existence and conditions of the inventory, if it is not possible to do so, agar ye aise ye alternative audit procedures bhi lagana mushkil hai ya fir laga hi nahi pa raha hai to auditor kya karega, the auditor shall modify the opinion, apne apne audit report ke andar dekha tha aise 705 ke andar modify the opinion hota hai, teen tarike se modify opinion kiya ja sakta hai, ek to modified opinion, ek qualified, या तो वो क्वालिफाई कर देगा अपनी रिपोर्ट को, ठीक है, मॉडिफाई ओपिनियन देकर, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा, अपन ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर पूरा कर ही चुके हैं, आप लोग इस चैप्टर को याद भी कर चुके हैं, इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद 705 मॉडिफाई कर देगा अगर उसके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना, ठीक है। इन सम केसेस अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में भी इम्प्रैक्टिकेबल,
अब ये बाद में जाके बता रहे हैं कि कब कब हो सकता है. दिस में भी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज द नेचर एंड द लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री. नेचर ऑफ द इन्वेंट्री खराब, मतलब नेचर इन्वेंट्री का नेचर खराब है या फिर लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री है वो अच्छी जगह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वेयर इन्वेंट्री इज हेल्ड इन अ लोकेशन डेट में पोस्ट थ्रेट्स टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर. नक्सलवादी इलाके के अंदर है अगर वो, ठीक है, जहाँ पर टेररिस्ट रहते हैं, तो वहाँ पर ऑडिटर क्यों जाना चाहेगा और मैनेजमेंट भी नहीं भेजेगा उसको वहाँ पर. द मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस टू द ऑडिटर हाउएवर इज नॉट सफिशियंट टू सपोर्ट अ डिसीजन बाय द ऑडिटर दैट अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल. अब ये जो जनरल इनकन्वीनियंस हो रही है ऑडिटर को कि वो इन्वेंट्री काउंटिंग के अंदर फिजिकली नहीं जा पा रहा है या अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा है फिजिकली, तो ये एक सफिशियंट रीज़न नहीं है कि ऑडिटर इसके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करना छोड़ दे. फर्दर एज एक्सप्लेन इन एसे 200 द मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ऑमिट एन ऑडिट प्रोसीजर. डिफिकल्टी को देखकर या फिर टाइम को देखकर या फिर कॉस्ट इन्वॉल्व को देखकर ऑडिटर किसी ऑडिट प्रोसीजर को ऑमिट नहीं कर सकता है कि हाँ चलो इसको छोड़ देते हैं बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स कर लेते हैं. फॉर विच देर इज नो अल्टरनेटिव. ऐसा ऑडिट प्रोसीजर जिसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है और टू बी सेटिस्फाइड विद ऑडिट एविडेंस विच इज लेस देन परसुएसिव. अगर ये भी नहीं कर सकता ऑडिटर कि कुछ लेस देन ऑडिट परसुएसिव उसको कोई ऑडिट एविडेंस मिल रहा तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है. अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इन सम केसेस वेयर अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम्स एक्वायर्ड और परचेज प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग मे प्रोवाइड सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ द इन्वेंट्री. बीच के अंदर मतलब जो अपनी कट ऑफ डेट थी जहाँ जिस दिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होना था उससे पहले के कुछ ट्रांजैक्शंस देख सकता है ऑडिटर और उसके हिसाब से वो कुछ अपने कैलकुलेशंस लगा सकता है और उनको चेक कर सकता है. इन अदर केसेस हाउएवर इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन एसएई रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. वापस से वही ऊपर वाली चीज़ें रिपीट हो रही हैं. अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर नहीं लगा पा रहा है तो ऐसे 705 के हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कोप लिमिटेशन कि वो ऑडिटर इन्वेंट्री को चेक नहीं कर पाया एज अ रिजल्ट ऑफ स्कोप लिमिटेशन. अब ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट तीन नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल जॉब वर्क वाली है या फिर हमने गुड्स ऑन अप्रूवल दे रखे हैं, तो वो किसी थर्ड पार्टी के अंदर कस्टडी और कंट्रोल के पास है इन्वेंट्री, तो इज मटेरियल और वो इन्वेंट्री मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एसएई रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ दैट इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग. तो ऑडिटर सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे लेगा, बाय परफॉर्मिंग दीज टू ऑडिट प्रोसीजर्स. पहला रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी जिससे जिसके पास भी वो हमारा माल पड़ा हुआ है, जिसकी भी कस्टडी के अंदर हमारा इन्वेंट्री है, उससे रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन. कंफर्मेशन अभी हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखी थी, वो तो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए रहती हैं. अब ऐसे जो आपका अभी आएगा ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का जो है वो पूरा डिटेल में बातें करेगा दीज रिगार्डिंग दीज कन्फर्मेशन. अगला ऐसे अपने लिए वही है एज टू द क्वान्टिटीज हम लोग उससे कन्फर्मेशन ले लेंगे उस थर्ड पार्टी से एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी. सेकेंड पॉइंट परफॉर्म इंस्पेक्शन. ऑडिटर खुद जाके इंस्पेक्ट कर सकता है या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑडिटर लगा सकता है. अब उसी के लिए क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट ने आपको. पैरामाउंट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर इज अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैविंग इट्स ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ऑल्सो गेट द जॉब वर्क डन थ्रू वेरियस जॉब वर्कर्स. ये जॉब वर्कर्स से काम भी करवाती है, मतलब उनको माल देती है वो काम करके वापस एंटिटी को कुछ वो गुड्स को रिटर्न कर देते हैं. द ऑडिटर ऑफ पैरामाउंट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंसिडर्स दैट इन्वेंट्री हेल्ड विद दोज जॉब वर्कर्स इज मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सजेस्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स इन द गिवन केस. वही क्या सजेस्ट कर क्या करना है, ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं दो रिक्वेस्ट करेगा और परफॉर्म इंस्पेक्शन करेगा, दोनों लगा देगा और आंसर खत्म. पूरा वही दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए. लिटिगेशंस एंड क्लेम्स मे 19 के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है, अब हम लोग वापस इसको पढ़ते हैं. द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशंस एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच मे गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. ऑडिटर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि उसको हेल्प करेंगे इन आइडेंटिफाइंग द लिटिगेशंस एंड क्लेम्स जिसके अंदर वो एंटिटी इन्वॉल्व हुई हुई है या फिर इन्वॉल्व हो सकती है. ऐसे कोई लिटिगेशंस और क्लेम्स हैं क्या, कुछ ऐसा कोर्ट केस एंटिटी के ऊपर पेंडिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके अंदर ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ये आपको तीनों याद करने हैं, एक बार के लिए रीड तो करना ही है, बहुत ढंग से समझना है. पहला पॉइंट है इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से.
अब ये मैनेजमेंट वाली बात तो कोई मैनेजमेंट डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं कि हाँ हमारे पास कोर्ट केस चल रहा है, मैनेजमेंट अपनी रेपुटेशन कंपनी की क्यों ख़राब करेगा। तो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से एंड वेयर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी, जो एंटिटी के अंदर हैं उनसे भी इंक्वायरी करेगा, इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल, जो एंटिटी का जो लीगल काउंसिल होगा उससे भी वो इंक्वायरी करेगा। पहला पॉइंट इंक्वायरी है, इंक्वायरी को हम लोग अलोन तो मतलब अकेले तो यूज़ करते नहीं हैं, इसके साथ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाते हैं, अपन ने ऊपर डिस्कस कर ही रखा है डिटेल में। दूसरा पॉइंट रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हुई होंगी ऑफ TCWG एंड करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, उसकी वो मिनट्स ऑफ जो मीटिंग्स जो होंगी उसको रिव्यू करेगा ऑडिटर, ठीक है। रिव्यू लीगल काउंसिल अकाउंट्स, जो लीगल काउंसिल के एक्सपेंस अकाउंट्स होंगे कि एंटिटी किसी को पेमेंट कर रही है रिगार्डिंग द लीगल फीस, तो उसको भी ऑडिटर चेक करेगा कि ये एंटिटी जो है वो अनयूजुअल तो पे नहीं कर रही है, कुछ और बात तो नहीं है इसके पेमेंट्स के अंदर, एक्स्ट्रा पेमेंट तो नहीं कर रही है ये, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऐसे, इफ द ऑडिटर असेसेस अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम्स, तो कम्युनिकेट करेगा वो विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claims that have been identified, अगर auditor को कुछ ऐसी risk of material misstatements लगता है regarding litigation or claims जो auditor ने identify करी है, और when audit procedures performed indicate that other material litigation or claims may exist, auditor जब अपने audit procedures लगा रहा था तो auditor को ऐसा लगा कि कुछ material litigations और claims exist कर सकते हैं entity के अंदर, तो auditor क्या करेगा, in addition to the procedures required by other assays, दूसरे assays के अंदर, for example SC 250 के अंदर ऐसा इसका कुछ regarding दे सकता है consideration of laws and regulations के बारे में, तो उन ऐसेज के अलावा इस ऐसे के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और एंटिटी का जो लॉयर होगा उससे ऑडिटर डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेगा। द ऑडिटर शेल डू सो थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी रेज करेगा वो टू द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, रिक्वेस्टिंग द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर इफ लॉ रेगुलेशन और रेस्पेक्टिव, अगर वो उस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को मना करेगा तो ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर में जज इट नेसेसरी टू मीट विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, कुछ केसेस के अंदर ऑडिटर को ऐसा लग सकता है कि वो मीटिंग डायरेक्ट कर ले एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से टू डिस्कस द लाइकली आउटकम ऑफ द लिटिगेशन और क्लेम्स, दिस में बी द केस फॉर एग्जांपल वेयर, अब ये केस 3 नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आए भी नहीं है अभी तक आपके पेपर में, कि कभी कभार जब ऑडिटर को ऐसा लगे कि वो मैनेजमेंट काउंसिल से डिस्कस करे तो वो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस है द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट मैटर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, ऑडिटर को वो सिग्निफिकेंट रिस्क लगती है तो वो डायरेक्टली एक्सटर्नल काउंसिल से कम्युनिकेट कर सकता है, खुद जाकर उससे मिल सकता है, मैटर कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटर की समझ से भी बाहर है तो वो उससे समझ लेगा, ठीक है। लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात है, कंपनी का एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि मैटर कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्ट एक्सटर्नल काउंसिल के पास चल जाएगा ऑडिटर। देयर इज डिसएग्रीमेंट, बहुत बड़ी बात है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन किन किन के बीच में, मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके बीच में और जो एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल दे रहा है उसके बीच में, तो भी ऑडिटर एक्सटर्नल काउंसिल से मिल सकता है। ऑर्डिनरली क्या होता है, सच मीटिंग्स रिक्वायर मैनेजमेंट परमिशन एंड आर हेल्ड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट इन अटेंडेंस। ओके, अब इसी के बेस पर एक जो अभी अपन ने ऊपर टॉपिक पढ़े थे, इंक्वायर करेगा, रिव्यू करेगा मिनट्स को और रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स को, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्राइड इंडिया लिमिटेड है एक मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस FMCG गुड्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, द कंपनी इज हैविंग सेवरल केसेस ऑफ लिटिगेशन पेंडिंग इन कोर्ट्स, हो सकता है कंज्यूमर कोर्ट्स के कुछ हों केसेस, द ऑडिटर वांटेड टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स रिजल्टिंग टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सजेस्ट द ऑडिटर विद रेफरेंस टू एसेज, तो इसका आप SA 501 आपको स्पेसिफिकली नाम लिख के लाना है, जब आपको ऐसे याद है तो यहाँ पर आप 501 का पूरा डिटेल देंगे कि लिटिगेशन एंड क्लेम वहाँ पर डिस्कस किया गया है स्पेसिफिक कंसिडरेशन के अंदर, और उसके रिगार्डिंग ये 3 पॉइंट्स हमारे को ऑडिटर को देखने पड़ेंगे, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स, और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इफ द ऑडिटर असेसेस RMM रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड और व्हेन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म इंडिकेट दैट अदर मटेरियल लिटिगेशन में एग्जिस्ट, तो यहाँ पर आप ऑडिटर के बारे में क्या कर रहा है, सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर अपना ये ऐसे 501 कंप्लीट होता है, अच्छा ऐसे है, यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये पहला वाला तो यही था कि अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऊपर ये जो इन्वेंट्री की बातें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा ऐसे को। सी फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज इन एनी टॉपिक और यू वॉन्ट टू गिव एनी सजेशंस रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ दीज वीडियोज, देन यू कैन पोस्ट देम इन द कॉमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज और इशूज़। ओके, होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, गिव दिस वीडियो अ लाइक
subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. And yes, don't forget to share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.